मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह दिखाई दिया और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। देखते ही देखते लिकबरहेड़ी में हालात बदल गए। यहां बने बूथों पर कुछ लोगों के बीच लाठी डंडे चले, साथ ही पथराव भी हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हंगामे के दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। हालांकि जिला प्रशासन हरिद्वार का कहना है कि मंगलौर उपचुनाव के दौरान मतदेय स्थल पर फायरिंग की सूचना पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। आज लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से आप देख सकते हैं। यहां पर असामाजिक तत्व खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं और गोली लगी भी है। सूचना जो है लाठी डंडे के खून के निशान आपने देखे भी हैं। आधा पौना घंटा हो गया जब चोटिल को मुझको सूचना मिली, मैं कहीं था, मैं भागता दौड़ता आया। सबसे पहले चोटिल को मैं खून से उसकी लथपथ, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ पर कोई उस सूचना के बावजूद के यहाँ पर गोली चल रही है, कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसी सुविधा शासन की तरफ से नहीं हुई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा ना सुना।